उसने 10 साल इंतजार किया, जी हाँ पूरे 10 साल इंतजार किया, और उसके बाद 6 गोलियों से बदला लिया। कहानी मुरैना की गोली कांड की, और ये पूरा नरसंहार जो हुआ, इस नरसंहार में अब चौंकाने वाला खुलासा आया है। कहानी मैं पूरी बताऊंगा और बताऊंगा कैसे उसने 10 साल पहले इंतकाम की आग को अपने जहन और सीने दोनों में पाल लिया था। मुख्य आरोपी अजीत, दरअसल मामला जो है उस कहानी की शुरुआत 10 साल पहले अक्टूबर के महीने 2013 में होती है। जगह वही रहती है, लेपा भिंडोसा गांव मुरैना का। वो परिवार जिनके बीच में अभी जो रंजिश हुई, ये रंजिश नई नहीं थी, ये रंजिश पुरानी थी। उस समय कचरा फेंकने के विवाद को लेकर घर की महिलाएं भिड़ जाती हैं। एक पक्ष की महिलाओं पर दूसरे पक्ष के पुरुष हमला कर देते हैं, और उस दौरान भी डबल मर्डर हुए थे। और उस पूरे के पूरे हमले में जो इस गोलीकांड का नरसंहार का आरोपी है अजीत, उसके पिता की मौत हो गई थी, वीरभान की मौत हो गई थी। बस क्या था, तब से लेकर जब तक वो महज वो 12 साल का था, उसने अपनी आंखों के सामने पिता को मरते हुए देखा था। और इंतकाम की हद देखिए आप, कि एक चौंकाने वाला खुलासा कि उसके अंदर बदला लेने की इतनी इंतहा थी सोच में कि उसने घर की दीवार पर लिख रखा था कि इसकी मौत तो निश्चित है। सोचिए आप, मां ने कह दिया था कि अगर बाप का थोड़ा बहुत भी अंश तुम्हारे अंदर है तो किसी को मत छोड़ना और गोली मार देना। और होता भी कहानी में वही है, समय बदलता है। 10 साल बाद जो हुआ 5 मई को, वो तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले भी बदले की शुरुआत हो जाती है 2021 में, जब गजेंद्र के साथ खड़े होने वाले उस परिवार के रंजीत पर हमला किया जाता है, रंजीत पर गोलियां बरसाई जाती, रंजीत बच जाता है। लेकिन बदला पूरा नहीं होता, बदला उसे गजेंद्र और उसके परिवार से लेना था। समझौता करने के बाद मिलने के नाम पर जब बुलाया जाता है तो तारीख 5 मई 2023 और वो मंजर जो कोई नहीं भूल सकता, 6 लोगों को उसकी मां बंदूक लाकर देती है अजीत को, और वो 6 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है और नरसंहार को अंजाम देता है। और ऐसे अंजाम देता है जिसके बाद यही सवाल आता है कि इस बदले की आग को उसने कब से पाल रखा था। आखिरकार अजीत पकड़ा जाता है, एक मुठभेड़ होती है पुलिस से और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। मुरैना से आप तक की खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने, आप देखते रहे।